देखिए, हमारा कहना यही है कि बिहार में सरकार संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन हो चुके हैं, विवेक खो चुका है और थक गए हैं, हार गए हैं। नीतीश कुमार हारे हुए लग रहे हैं और बिहार के प्रति इनको कोई दया नहीं है। छात्रों के प्रति हो चाहे मजदूरों के प्रति हो, कोई दया नहीं है। ये कठोर और एकदम से जिसको बहुत खराब से खराब शब्द कहा जाए, ऐसे नेता के हाथ में सत्ता का चाबी बिहार का है, जो कि यहाँ के किसी का दर्द बुझने के लिए तैयार नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी, दुर्भाग्य है कि कौन सा नियम का पालन करने वाले हैं, वही भारत सरकार लॉकडाउन कहते हैं पालन करने के लिए, और उन्हीं के अनुयायी भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों ने अपने अपने बच्चों को लाने के लिए कि नहीं, हमारे बच्चे हैं, हमारे वोटर हैं, हम उनको लाने का काम करेंगे। तो आप इतना कठोरतम कठोर कदम क्यों उठाए हुए हैं? क्या कारण है? आपके पास जो है क्वारंटाइन करने का जो है क्षमता नहीं है, आपके पास जांच करने का क्षमता नहीं है, आपको बच्चे के लाने के लिए बस का व्यवस्था नहीं है, आप खाना खिलाने में असक्षम हैं, आप लोगों को जांच करके सुरक्षित रखने में असक्षम है। इसीलिए अपने नाकामियों को छुपाने के लिए सभी छात्रों को और मजदूरों को लाने के लिए आप नहीं तैयार हैं, और कोई बात नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार से कोई काम नहीं हो सकता है। आज के तारीख में बिहार में हर काम ठप है, सिर्फ लूट 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 मचा हुआ और कोई काम नहीं बचा हुआ है। सर, दूसरा मामला ये है कि मनोज कुमार कृषि पदाधिकारी थे एग्रीकल्चर में, और उनके द्वारा एक होमगार्ड के जवान को, हवलदार को ठक पटक का मामला सामने आया। आप लोगों ने भी बहुत सारे सवाल उसमें उठाए, विपक्ष जो है सक्रिय रूप से उसमें सवाल उठाए, लेकिन अभी भी उस मसले पर ऐसा देखा जा रहा है कि कोई भी काम नहीं हुआ है। उसके आगे देखिए, वर्दी का अपमान करने वाले को रिवार्ड दिया जा रहा है इस सुशासन राज में, नीतीश कुमार के राज में। कहाँ गया नीतीश कुमार के न्याय के साथ विकास करने का और छोटे पदाधिकारियों को सम्मान देने का? यहाँ जाति आधार पर और धर्म आधार पर और पकड़ के आधार पर जो है कोई भी नियम कानून इनका चलता है। वही गरीब परिवार के लोग थे SDM नवादा के, तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। वही जिसका कि कोई कानून नहीं बनता था कि उस पर कोई कार्रवाई हो, विधानसभा के ड्राइवर को जो है सस्पेंड कर दिया गया, छोटे पदाधिकारी को। लेकिन ये उच्च पकड़ रखने वाले रसूखदार कृषि पदाधिकारी, जो कि सरकारी वर्दी को अपमान करने का काम किया, देने का काम किया, कि खुलेआम सरेआम उठक बैठक कान पकड़वा के और अपना गोड़ परवाने का काम किया, और उस पर कहते हैं कि अभी जांच चलेगा। अंधा है सरकार क्या? बहरा है क्या? आंख दोनों फूट गया है सरकार का कि दिखाई नहीं पड़ रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग में कि पैर पर जो है हाथ जोड़ रहा है, कान पकड़ के उठ बैठ कर रहा है? कहाँ है सरकार? सरकार का जो है आत्मा मर चुका है और रुपया का खेल सिर्फ चल रहा है, जिसके कारण कि उस पर जांच। ये जो है दोहरी नीति, नीतीश कुमार को थोड़ा सा भी शर्म हया होगा तो इनको तो खुद जो है गद्दी से उतर जाना चाहिए। लेकिन ये पापी लोग जब तक बिहार को बदनाम और बिहार को बर्बाद नहीं करेंगे, तब तक जो है ये लोग जो है गद्दी से नहीं उतर सकते। अच्छा, कोरोना वैश्विक महामारी है, बिहार में अब आंकड़ा जो है वो 300 तक पहुंच चुका है, आज भी बहुत सारे ऐसे मामले मिले हैं। क्या लगता है कोरोना का जो जांच हो रहा है वो बिहार में सही तरीके से हो रहा है? दुर्भाग्य है कि यदि लॉकडाउन नहीं होता और लोग स्वयं अपना आत्मरक्षा नहीं करता, तो आज जो है कीड़े मकोड़े के तरह जो है लोग कोरोना के कहर से मरते। आज स्वाभाविक रूप से लोग अपने आप में आत्मरक्षा करके अपने आप को बचाव किए हुए, सरकार के पास कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। सरकार बतावे कि जांच का कितने सेंटर है? 12 करोड़ 13 करोड़ की आबादी है, आपके पास कितने सेंटर हैं? सबसे छोटा राज्य हरियाणा में 11 सेंटर है।
आपकी आधी ने एक कोना आबादी, तीन तिहाई आबादी झारखंड का जो है 3 करोड़ की आबादी है, वहाँ 4 सेंटर है। आपके यहाँ कितने सेंटर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। यदि एक भारत सरकार के सेंटर को हटा दिया जाए तो मात्र आपके पास 4 सेंटर हैं, और आप उसी पर काम कर रहे हैं। कितने लोगों का जांच आप कर पा रहे हैं आप बताइए कि सैंपल जितने आते हैं आज कितने सैंपल उठे होंगे 24 घंटा के अंदर में, क्या आप दे पाते हैं? आपका जांच नगण है, जांच किट गलत है। यही खजपुरा में जो महिलाएं जो कोरोना से जो पीड़ित है, पहले क्या कारण है कि उसको जो है निगेटिव बताया गया, फिर बाद में पॉजिटिव बताया गया। इसका मतलब कि जांच किट खराब है या आपके जांच करने वाले जो बैठे हुए डॉक्टर हैं वह आपके जो है पूर्ण रूपेण काम करने में असक्षम है, जिसके कारण कि कभी गलत आता है, कभी सही आता है, कभी गलत आता है। यह स्थिति क्यों है? क्या यही है सुशासन? क्या यही है न्याय के साथ विकास? 15 सालों में आप कहे थे कि हम सबको सुधार दिए हैं, तो यही सुधरा कि 5 दिन पहले उसको क्वारंटाइन किया जाता है, उसके बाद जांच के लिए उनका भेजा जाता है, निगेटिव आता है, और 5 दिन के बाद फिर जब बड़ौदा बैंक में पकड़ाता है उसके बाद फिर महिला का जांच होती है तो फिर पॉजिटिव हो जाता है। तब तक जो है सैकड़ों लोगों को जो है संक्रमण फैला चुकी होगी। तो आपका पूरा फेलियर है, आपके पास कोई दम दशा नहीं है नीतीश कुमार। इसलिए जो भी बिहार में बचे हुए हैं भगवान भरोसे बचे हुए हैं, आपके बल पर नहीं। आप कोरोना के कहर से कम और भूखमरी से लोग ज़्यादा मर रहे हैं। आज बेगूसराय के महतो मरे न, आज कई लोग मरे न, लेकिन आपके पास कोई भी दया नहीं। आप राशन का बहाना किए हुए हैं जीविका के माध्यम से। क्या कर रही है जीविका? पूरे बिहार में 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया तक का वीडियो सभी जिलों से आ रहा है, चाहे वह छपरा का हो, सारण का हो, चाहे आरा का हो, चाहे मुंगेर का हो, जम्मू का हो, सभी जगह से आ रहा है कि खुलेआम नंगा नाच करके जीविका दीदी पैसा लेने का काम कर रही है और सबको ठगने का काम कर रही है। आप व्यवसाय खोले हैं, जीविका दीदी होती कौन है? क्या सरकारी स्टाफ है जिसके माध्यम से आप करवाने का काम कर रहे हैं? यदि वह गलत कर रहे हैं तो उसको आप किस आधार पर सस्पेंड कीजिएगा? किस आधार पर उसकी नौकरी खाइएगा? क्या वह नौकरी में है? कौन सा संस्था है? कितना बड़ा संस्था है जीविका दीदी का? सरकारी संस्था नंबर क्या है उसका? रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? ये बताने का काम कीजिए। नहीं, ये JDU जीविका दीदी के माध्यम से अपने कार्यकर्ता और दलाल को भेजकर यह काम करने का काम कर रही है। भोज के समय में कोहरा रोपने का काम करते हैं। कहावत कहा गया था देहात में कि भोज के समय कोहरा, यानी आज भोज है तब कोहरा रोपा जा रहा है। मेरा सवाल भी आपसे यही है सर कि इस वक्त देखिएगा कि राशन कार्ड बनाने के लिए होड़ मची है। इस वक्त बिहार में इस वर्ष चुनाव भी है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से कोरोना है, लॉकडाउन है, और ऐसे में राशन कार्ड और 1,000 रुपया भी, तो जो राशन कार्ड बनाने का काम हो रहा है और राजनीति है, तो इसमें भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ झोल मचो? 100% झोल है और राजनीति है इसमें। वह अपने माध्यम से, एक तो लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है पूरे बिहार में, आप जहाँ भी जाइएगा तो हजारों के तादाद में लोग जो है मारामारी कर रहे हैं। अभी सबको राशन देने का था, सबको रोटी देने का था, आप सबको जो है लाइन में लगाने का काम कर रहे हैं। आप में और प्रधानमंत्री में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही पहलू के दोनों सिक्के हैं। आज जो है लोग भूखे मर रहे हैं, उनको रोटी भेजवाना था, आप अभी रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद उसको रोटी देने का काम कीजिएगा। 2 महीना लगेगा बनने में। जानते हैं कि बिहार सरकार कितना निकम्मा और अफसर कितना निकम्मा है, निष्कामी है। वह 2 महीना लगेगा सबका जो है राशन कार्ड बनने में, 3 महीना लगेगा। तब तक क्या खाएंगे? ओल छिलेंगे, ओल खाएंगे। कहाँ है नीतीश कुमार? बोलिए, सुशील मोदी कहाँ मर गए हैं? बोलना चाहिए इस पर कि यह क्यों ऐसा स्थिति है, क्यों चुप्पी लगाए हुए हैं लोग? आज किसी का आवाज़ नहीं उठ रहा है, उठना चाहिए आवाज़। ऐसे बिहार को बर्बाद करना और जो है बदनाम करना छोड़े नीतीश कुमार जी, और ज़रा होश में आइए। जनता बिहार का है, बिहार कभी किसी को माफ़ नहीं किया है। एक दिन ऐसा आएगा
कि आपके पास कोई रोने वाला भी खड़ा नहीं रहेगा, आप अकेले जो है रोते रहिएगा, कोई आंसू पोछने वाला नहीं रहेगा।